नगरीय निकाय चुनावों की घोषणा के बाद प्रशासन ने अपनी कमर कस ली है। आपको बता दें कि प्रशासन में कलेक्टर व जिला निर्वाचन अधिकारी शिवम वर्मा ने आज प्रेस वार्ता में बताया है कि चुनाव को लेकर हमने पूरी तैयारी कर ली है। लगातार अधिकारियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। मैं मीडिया के माध्यम से अपील करता हूं कि आचार संहिता का सख्ती से पालन हो, कहीं नियमों का उल्लंघन होता है तो उसकी जानकारी तुरंत हमें प्रदान करें। अधिक से अधिक लोगों को मतदान के लिए जागरूक किया जाए। मतदान को सफल बनाने में मीडिया भी हमारी टीम की तरह काम करे, ऐसी मेरी अपील है। उन्होंने कहा कि पूरे चुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया जाएगा। वही एडिशनल SP PL कुर्वे का कहना है कि चुनाव के दौरान जगह जगह घूमकर निगरानी रखी जाएगी, जिससे चुनाव के दौरान कोई गड़बड़ी ना हो। इसको लेकर हमने पूरी तैयारी कर ली है और चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से किया जाएगा। जिला प्रशासन द्वारा क्या तैयारी की जा रही है, प्रेस वार्ता बुलाई गई है, किस किस तरीके से निर्देश दिए गए हैं? देखिए, कल माननीय आयोग ने घोषणा कर दी है निर्वाचन की, तो आज हमारी जो बैठकें थी और स्टैंडिंग कमेटी की बैठक और आप लोग के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करी गई है। कल से ही हम लोगों ने प्रतिबंधात्मक आदेश जो थे उस संदर्भ में भी निकाल दिए हैं, उनका पालन भी किया जा रहा है। संपत्ति विरूपण के तहत, शस्त्र अधिनियम के तहत, कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के तहत कार्रवाइयाँ हो रही हैं। हमारा प्रतिबंधात्मक आदेश जारी हो चुका है और हम लोग अब इसमें जो संवेदनशील क्षेत्र हैं या वल्नरेबल पॉकेट्स हैं उसके SP साहब और हम लोग मिलकर निरीक्षण करेंगे, देखेंगे भी, मतदाताओं से भी बात करेंगे। हमारा पूरा प्रयास इसमें यही है कि हम लोग शांतिपूर्ण निष्पक्ष चुनाव करा पाएं और इसके लिए वल्नरेबल पॉकेट्स में काम करना, जो हमारे मतदान केंद्र है उनमें व्यवस्थाएँ बेहतर करना, दुरुस्त करना और स्वीप के तहत जो हमारे मतदाता है उनको जागरूक करके उनको मतदान कराना, ये हमारी प्राथमिकता है। सर, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव और नगरीय चुनाव एक साथ होने वाले, क्या जिला प्रशासन पूरी तरीके से इसमें सक्षम है, पूरी तरीके से पारदर्शिता चुनाव करा? जी बिल्कुल बिल्कुल, हमारी पूरी तैयारी है और माननीय आयोग के निर्देशानुसार हमने पूरी तैयारी भी कर रहे हैं। हम लोग इसको फॉलो किया जा रहा है और हमारे पास पर्याप्त बल भी है, पूरी टीम भी हमारी मोटिवेटेड है, हमारी ट्रेनिंग भी चालू हो चुकी है और जिला प्रशासन श्योपुर पूरी तरह सक्षम है कि वो दोनों चुनाव एक साथ करा पाए। ठीक है सर, थैंक यू। तैयारी, जैसा कि आप सभी को अवगत है, पंचायत एवं नगरी चुनाव को लेकर के निर्वाचन आयोग द्वारा पूरा शेड्यूल घोषित कर दिया गया है। इसके संबंध में हमारी राजस्व अधिकारियों के साथ बैठक हो चुकी है और उसके अनुरूप जो पूर्व के चिन्हित लोग थे उनके खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है और चुनाव की जो प्रक्रिया है जैसे अब लगातार होगी उस पर हम लोग सभी पे नज़र रखे हुए हैं और उसके लिए हमारा पर्याप्त बल है और पुलिस की और कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के द्वारा भी क्षेत्र में भ्रमण किया जाएगा, जैसी स्थिति होगी उनके खिलाफ भी कार्रवाई किया जा करके शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न कराया जाएगा। सर, इसमें जो लोग प्रत्याशी रहेंगे उनका आपराधिक रिकॉर्ड कैसे जांच की जाएगी? देखिए, आपराधिक रिकॉर्ड तो हमारे यहाँ थानों में रहता है, उसके हिसाब से हमारे को प्रत्याशी के द्वारा यदि किसी प्रकार का नाम के लिए यहाँ पर नामांकन पत्र भरता है तो हमारे पास जानकारी रहती है।